तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नॉन स्टॉप फाइट के रिगार्डिंग ही बात करने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लास हमारा निकल कर आता है यहाँ पे जो लिविक में। तो भाई जब मैंने इसका लास्ट बंदा मारा लिटरली मेरे पास 6 एमओ बची थी इस कारल में और मेरे को पता भी नहीं था, फिर भी उसको ख़त्म कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट क्लच निकल के आ रहा है हमारा, वो है यसनाया पोलियाना में। तो भाई लोग यहाँ पे तो मैं इनका 2 बंदे नॉक कर देता हूँ, लेकिन 2 बंदे पीछे फॉल बैक कर जाते हैं। लेकिन हम लोग इन दोनों को भी हम लोग मारेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी फ़ाइट किसी और एक स्क्वाड के साथ हो जाएगी। तो पहले उसको ख़त्म करेंगे, फिर बाद में इसके जो 2 बंदे बचे हैं उनको भी ख़त्म करेंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर से देखना। तो मैंने यहाँ पे इनका कितनी देर तक वेट किया, लेकिन वो आए नहीं, वो सीधा फॉल बैक करके पीछे अपार्टमेंट में चले गए। तो लेकिन उससे पहले एक और स्क्वाड आ जाएगा जिसको हम पहले ख़त्म करेंगे, बाद में उनके साथ निपटेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के यहाँ से हम लोग फटाफट यहाँ से निकलते हैं पीछे की ओर और वहाँ पर एक स्क्वाड को हम लोग निपटाते हैं, उसके बाद वापस हम लोग अपार्टमेंट में जाकर उनसे भी फाइट लेंगे। यहाँ पे तो ये 2 बंदों को ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन उसका एक बंदा पीछे बगी लेकर रुका हुआ होता है। तो पहले तो हम लोग उससे निपट के भी वहाँ पे वापस हम लोग अपार्टमेंट में दूसरी स्क्वाड से भी फाइट ले लेंगे। तो गाइस ये जो पुरानी स्क्वाड होती है जिसके 2 बंदे पहले मैंने ख़त्म किए थे, उस स्क्वाड का एक लास्ट बंदा बचा होता है अपार्टमेंट में, तो हम लोग उसको ख़त्म करते हैं। तो अभी जो बगी लेके आया था वो बंदा बाकी होता है, तो वो यहाँ पे कैम्प कर रहा होता है, देखो उसे कैसे ख़त्म करते हैं। ये सब खत्म होने के बाद हमारे नेक्स्ट फाइट देखते हैं भाई निकल के आती है कैंपर के अगेंस्ट, देखिए हम लोग इनको कैसे मारते हैं। इनका जो 3rd बंदा था उसको तो मैंने हवा में मार दिया, उनका जो 4th बंदा बचा होता है उसे मेरा टीममेट मार देता है, देखिए। जो हमारी नेक्स्ट फाइट निकल के आते हैं यसनाया के जो अपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड होती है। तो देखिए हम लोग ग्लाइड कर कैसे जाते हैं और देखिए उनको कैसे ख़त्म करते हैं। के जो 2 लास्ट बंदे होते हैं उसे तो मेरे टीममेट ही मार देते हैं।
तो हमारी जो अगर नेक्स्ट फाइट है वो कैंपर का अगेंस्ट होने वाली है जिस नए में, देखिए उनको हम लोग कैसे मारते हैं। तो यहाँ मेरी 1 HP होती है, तो मैं फटाफट टीममेट से फर्स्ट एड लेके हील करता हूँ, उसके बाद वापस हम लोग फाइट लेंगे। तो यहाँ पे सामने की बिल्डिंग में कैंपर्स होते हैं, हम लोग को उसे मारना होता है, लेकिन वो मेरे को फुल डैमेज दे देते हैं, 1 HP रखते हैं। देखिए उन लोग को कैसे ख़त्म करना। तो ये स्क्वाड के 2 बंदे हम लोग निपटा देते हैं और बचे 2 बंदे होते हैं, तो वो 2 बंदों को हम लोग कैसे निपटाते हैं देखिए। एक ही छे Someone has been here. तो ये दोनों को ख़त्म करने के बाद एक और बंदा रहता है, वो बंदा थोड़ा IQ लगा के खेल रहा होता है, तो थोड़ा संभल के खेलना रहता है, और वो बंदा स्काउट प्रॉक्सी का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, तो देखिए हम लोग इससे कैसे फाइट लेते हैं। ओके एक्सलेंट वर्क। नंबर तो लास्ट वाले रिकॉल पे पता नहीं, लेकिन उसने मेरे को बहुत डैमेज दे दिया होता है, मेरी 10 HP रहती है, तो फटाफट से मैं हील करता हूँ, लेकिन उतने में वो पुश करने की कोशिश करता है, तो देखिए हम लोग उससे कैसे निपटते हैं। ओके तो नेक्स्ट फाइट रहती है वो स्कूल में रहती है, आप मेन बिल्डिंग में, तो जैसे मैं नेट की पिन खींचता हूँ, देखिए मेरे साथ क्या होता है। तो जैसे ही 2 बंदों को हम लोग मारते हैं, वैसे एक और स्क्वाड हम पे पुश कर देती है, और देखिए हम लोग उनको कैसे मारते हैं। तो गाइज आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से करना, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो सामने पूरे के पूरे 4 बंदे होते हैं और इनसे फाइट लेनी होती है, लेकिन हमारे पास कोई अच्छी पोजीशन नहीं होती, तो हम लोग फटाफट से धीरे से पुश कर दे और देखिए हम लोग कैसे फाइट लेते हैं इनसे। तो इन स्कोर को ख़त्म करने के बाद हम लोग जोन में जाते हैं, तो वहाँ पे एक और स्कोर होती है, देखिए हम लोग उसे कैसे मारते हैं। कटारा लेके जाओ। ऑसम। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick
habit that my mind is free.